सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सीधे अपने मोबाइल फोन पे। दोस्तों, बहुत बार हमें अपने कंप्यूटर से मोबाइल फोन में कुछ डेटा ट्रांसफर करना होता है या फिर अपने मोबाइल फोन से कंप्यूटर में कुछ डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ जाती है। उस केस में हम नॉर्मली एक यूएसबी केबल का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके पास डेटा केबल ना हो तो कैसे आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे? तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी डेटा केबल की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दो फाइल्स हैं, एक वर्ड फाइल है और एक एक्सेल फाइल है जिसे कि मैं वायरलेसली ट्रांसफ़र करूंगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो बेसिकली जो सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस कुछ इस तरह का होता है कि देखिए, एक इंटरनेट के स्पेस में आप अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और उसे किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें से एक है वन ड्राइव, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव सर्विस ऐसे तो पेड सर्विस है, बट 5GB तक का स्टोरेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फाइल्स को वन ड्राइव यानी कि क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है, आपके फाइल्स सेफ रहेंगे वहाँ पे। और आप अपने फाइल्स को लैपटॉप के द्वारा इस वन ड्राइव के स्टोरेज पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए, यहाँ डाउनलोड बटन मिलेगा जिस पे कि आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, एप्पल के प्लेटफॉर्म पे या फिर विंडोज़ पे, एंड्रॉयड पे, सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप वन ड्राइव एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, सिक्योर है फ्रेंड्स, और 5GB तक का स्पेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5GB स्टोरेज आपको फ्री में मिलेगा। तो देखिए, डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बट विंडोज़ 10 में ये जो एप्लीकेशन है ये पहले से होता है, तो आपको नीचे सर्च कर लेना है टास्क बार में वन ड्राइव लिख के, और देखिए ये एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा। इसके लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप एक बना सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन है जिस पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरा एक अकाउंट पहले से ही है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं वहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप करके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फाइनली फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने गेट द मोबाइल ऐप स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो मोबाइल में हम बाद में इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ हम अभी फ़िलहाल लेटर पे क्लिक कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपको गो टू वन ड्राइव फोल्डर पे क्लिक कर लेना है और आपका जो वन ड्राइव फोल्डर है वो सेटअप हो जाएगा। आप वन ड्राइव सर्विस को अब आप यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप सिर्फ 5GB स्पेस को ही फ्री में यूज़ कर सकते हैं, मतलब 5GB तक के ही डेटा को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आपको फोल्डर वाइज फ्रेंड्स ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्चर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, और एक पर्सनल वॉल्ट भी है। ठीक है, तो आप अपने फाइल्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप मोबाइल से या फिर किसी भी अदर डिवाइस से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो फाइल था फ्रेंड्स, एक वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल, उसे मैं यहाँ पे अपने वन ड्राइव फोल्डर में ट्रांसफ़र करूँगा। तो उसके लिए देखिए, फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है जिस किसी फाइल को आपको ट्रांसफ़र करना है, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मूव टू वन ड्राइव। मूव टू वन ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली वन ड्राइव फोल्डर में मूव हो जाएगा। इवन आप चाहें तो कॉपी करके नीचे से आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं वन ड्राइव फोल्डर में जा करके। तो मैंने यहाँ पे मूव टू वन ड्राइव पे क्लिक किया और ये देखिए फाइल मूव हो चुका है। सिमिलरली मैं एक्सेल दूसरा जो फाइल है उसे भी मैं मूव कर दे रहा हूँ। तो देखिए, दोनों फाइल जो हमारा है वो वन ड्राइव फोल्डर में मूव हो चुका है। अब हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल में फाइल्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको वन ड्राइव एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है
और वहाँ पे वन ड्राइव लिख के सर्च करना है, और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप एक आईफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी एप्पल के स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है फ्रेंड्स, तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में साइन इन कर लेना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के द्वारा। तो जिस किसी अकाउंट को आपने अपने लैपटॉप में ओपन किया था, उसी अकाउंट से आपको यहाँ भी लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में, और उसके बाद जो भी फाइल्स आपने ट्रांसफ़र किया था अपने लैपटॉप से वन ड्राइव में, तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। आप इन फाइल्स को बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। किसी भी फाइल को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करने के लिए आपको फाइल के दाहिने तरफ 3 डॉट्स दिख रहा होगा। 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको लोकेशन चूज़ करना होगा, जिस किसी लोकेशन में आप अपने फ़ोन के लोकेशन में इसे सेव करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, और ये फाइल आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो पहला फाइल हमने सेव कर लिया है फ्रेंड्स, तो चलिए हम दूसरा फाइल भी सेव कर लेते हैं। तो फिर से हम सेव पे क्लिक करेंगे और लोकेशन चूज़ करके हम फिर से सेव पे क्लिक करेंगे, तो दोनों हमारा फाइल जो कि हमने अपने लैपटॉप से वन ड्राइव में सेव किया था, वो दोनों हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ऊपर दाहिनी तरफ आपको बीच में प्लस साइन दिख रहा होगा, प्लस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल को अपने मोबाइल फ़ोन से वन ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको अपलोड ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और वन ड्राइव में जब ये अपलोड हो जाएगा ये फाइल, तो सिमिलरली आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में वन ड्राइव को ओपन करना है, उस फोल्डर को ओपन करना है, और वहाँ से जा करके आपको अपने फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वन ड्राइव काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है, और 5 GB तक का स्पेस आपको फ्री में मिलेगा। आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।